हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कि ये वीवो का V21 ये सेट है। तो ये वीवो का V21 सेट है। तो इस V21 सेट में आप हेडफोन या ईयरफोन कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसी चीज को हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको अपना ईयरफोन हेडफोन दिखा देते हैं। तो हमारे वीवो के साथ, इस वीवो सेट के साथ ये वाली हमें मिला था कंपनी के तरफ से ईयरफोन हेडफोन, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वाली मिली थी। और तो इसमें जैक जो है इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का जैक है। तो ये जैक अब हम वीवो के मोबाइल में लगाएंगे कैसे, सबसे बड़ा बात ये है। तो हम जब मोबाइल को अनबॉक्सिंग किया और देखा तो ये जैक इसमें कहीं भी दिया ही नहीं हुआ है लगाने का। तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको कैसे सेट करें, तो इसी चीज को हम बताने वाले हैं। तो फिर से मैंने बॉक्स को ओपन किया तो एक और इसमें जैक दिया हुआ था, जिस जैक को लगाना है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हमने लगाना कहाँ है, हो सकता है थोड़ा सा मिस यूज कर दे, इधर उधर कर दे, तो इतनी कॉस्टली मोबाइल खराब भी हो जाएंगे। तो कैसे हम इसे लगाएंगे, यूज करेंगे, इस चीज को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो इसके साथ एक और ये टी जैक, इस तरह का एक और हमें जैक दिया है जो कि आप देख रहे हैं। तो इसे लगाना कहाँ है, तो इसे लगाना वहां पे है जहां पे आपकी चार्जिंग का जैक लगता है। तो कहां पे चार्जिंग का जैक लगता है, तो ये देखिए, ये है, ये आप देख रहे हैं ये वाली जो होल है इसमें चार्जिंग का जैक लगता है। तो चलिए हम ये चार्जिंग का डाटा केबल है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये चार्जिंग का डाटा केबल है। तो चार्जिंग का भी डाटा केबल जिसमें लगता है, जिस होल में, उसी होल में इसे भी लगाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले लगा के। तो ये देखिए, हमें इसमें इस तरह से हम पुश करते हैं, ये लग चुका है, ये देखिए। और इसको जहां पे लगाना है वहीं इसको अब हमें निकाल देना है। और निकालने के बाद ये वाली टी जैक को क्या करना है कि इस टी जैक को यहाँ हमें लगा लेना है। इसको जैसे लगाएंगे और ये लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने हेडफोन या ईयरफोन को इसमें, इस होल में पुश करेंगे। और पुश करने के बाद ये हमारी वीवो के V21 सेट में ये हमारी सेट हो चुकी है। और ये सेट होने के बाद अगर कोई भी हम वीडियो या ऑडियो कुछ भी प्ले करते हैं तो हमें हमारे हेडफोन ईयरफोन में साउंड आएगी। तो चलिए, ये तो हुआ हमने कैसे सेट करना है ये हमने बताया। अब बात रह गया कि कुछ इंटरनल सेटिंग, अगर इसमें अगर आप लगाते हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उस सेटिंग को सही करेंगे, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो ये रही वीवो के मोबाइल में ये सेटिंग की ऑप्शन। तो इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है, और जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे साउंड की आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन। तो इस साउंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस साउंड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दे देगा मीडिया वॉल्यूम, आपको मीडिया वॉल्यूम कितना रखना है, रिंगटोन वॉल्यूम कितना रखना है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, और वाइब्रेट फॉर कॉल, नोटिफिकेशन वाइब्रेट, डू नॉट डिस्टर्ब, मीडिया, बहुत सारी ऑप्शन है, फोन रिंगटोन, नोटिफिकेशन रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन, बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं जो अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और सबसे नीचे दिए हुआ है ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट पर अगर आपको सेट करना है तो यहां से सेट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल साउंड प्रोफाइल, तो इसको ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और ऑन करने के बाद यहाँ से अंडर, आप कितने एज के हैं, अंडर 30 तो इसको रखें, 30 to 60 तो इसको रखें, अबव 60 तो इसको रखें। और इसमें दिया हुआ है एड ए साउंड प्रोफाइल, यहाँ से आप साउंड प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।